नमस्कार, आपका स्वागत है। अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की। दीव, दमन और दीव के गंगेश्वर मंदिर पर किए गए स्वच्छता अभियान में मंदिर परिसर में प्लास्टिक बॉटल्स, गुटके के रैपर को देखकर मंदिर क्षेत्र दुखित हुआ, जहां एसपी सिंह बघेल ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में पर्यटकों से आग्रह करता हूं कि वे कृपया प्लास्टिक का इस्तेमाल और गुटके का सेवन यहां न करें। यह पवित्र स्थान है और हम पर इसे स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी है। अपनी अच्छी आदतों को बनाए रखने के लिए कृपया सावधानी बरतें और पर्यावरण के साथ हमारी सहभागिता को सुनिश्चित करने में मदद करें। ये स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं सभी से इस पवित्र रखने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह करता हूं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने दर्शन किए और वहां के राममय माहौल को उन्होंने देखा। इसी के साथ उन्होंने क्या कुछ वहां पर महसूस किया आपको भी दिखाते हैं। भगवान श्री राम के प्रति आप इस भावना को देख सकते हैं। मैं चाहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से एक बार यहाँ पे लोगों को दिखाए किस प्रकार यहाँ पे जो लोग हैं वो भक्ति में लीन हैं। इस समय वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और प्रभु श्री राम के सबसे परम सेवक श्री हनुमान जी को वो किस प्रकार से, मैं चाहूंगा वीडियो जर्नलिस्ट को उनकी तरफ दिखाएं। और ये देखिए, ये भीड़ की जो आप ये भक्ति भाव है जो सिर्फ आपको इस देश में मिलेगा, ये सिर्फ भारत में मिलेगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों की जो भक्ति में सुबह के ये ठंड पड़ रही है लगातार, लेकिन लोग यहाँ जिस भावना के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं, ये पूरा दृश्य देखिए, ये पूरा भक्तिमय दृश्य है। हनुमानगढ़ी मंदिर में हम मौजूद हैं इस समय यहाँ पे। ये हमें सौभाग्य मिला है, साधना टीवी को ये सौभाग्य मिला है कि हम यहाँ पे भगवान श्री बजरंग बली के दर्शन कर पा रहे हैं। प्रभु श्री राम जी के भी दर्शन आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार दिखाएं यहाँ पे प्रभु श्री राम के ये दरबार को आप देख सकते हैं। लोगों की ये जो भक्ति है, लोगों की जो ये जो लोग इसको एक सौभाग्य समझ रहे हैं कि मंदिर निर्माण अपने आप में देश में किसी तोहफे के तौर पर हम आप इसको देख सकते हैं। सरकार के द्वारा हम इसको बोले, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोले, इस देश की भावना के तहत बोले, ये मंदिर अपने आप में देश के लिए एक किसी भी हम कहें एक गिफ्ट की तरह है। लोग इसको इस उपहार मान रहे हैं क्योंकि लोगों की जो भक्ति भावना है वो पता चलती है कि किस प्रकार से लोग यहाँ पे जिस भावना के साथ आ रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत है, ये अलौकिक है, हम इसका वर्णन नहीं कर सकते। हम इस समय खुद मौजूद है हनुमानगढ़ी मंदिर में अयोध्या स्थित। आप लोगों की संख्या देखिए, मैं फिर से अपने वीडियो जर्नलिस्ट से बोलूंगा एक बार पूरा वाइड एंगल दिखाएं जिस प्रकार से आप यहाँ पे लोगों की बस संख्या देखिए, लगातार लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लोग दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने के उपरांत भी कहीं ना कहीं उनका मन नहीं भर रहा है, वो पूरी तरीके से यहाँ मंदबुद्ध हो चुके हैं। आप देखिए यहाँ पे लोग, यहाँ पे मैं वापस चाहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कि एक बार प्रभु श्री राम के सबसे बड़े सेवक हनुमान जी के दर्शन अगर वो यहाँ से करा पाए। आप देखिए, ये है हनुमानगढ़ी मंदिर, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, तादाद हम गिन नहीं सकते हैं, संख्या हम गिन नहीं सकते हैं। आप बस इस भावना को देखिए, जो ये भावना है वो अपने आप में सबसे अलौकिक है। प्रभु श्री राम बुला रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को ये सौभाग्य मिला है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अब ये जो प्राण प्रतिष्ठा है, लोग इसको अपने एक त्यौहार के रूप में इसको ले रहे हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही थी, ये पर्व हमारा है, इस पूरे देश का है, लेकिन पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं। लोग बताना चाहते हैं, जो हिंदू पूरे विश्व में है, सिर्फ वो नहीं है, अनेक धर्मों के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आप देख सकते हैं, वो जो होने जा रहा है ये अपने आप में देश के पर्व की तरह है। अपने साथी वीडियो जर्नलिस्ट रमेश जोशी के साथ मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, अयोध्या से साधना चैनल के लिए। दुनिया की मशहूर कंपनी टेलमैन ग्लोबल हेल्डिगर्स ने यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन और डाटा सेंटर लगाने की इच्छा जताई है। आपको बता दें कि ग्लोबल होल्डिंग्स ने यूपी में ये इच्छा जताई है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अग्रणी कंपनी क्लाइमेट एआई ने भी यहां निवेश में रुचि दिखाई है। 2 माह में लगभग 2000 कर्मचारियों की क्षमता वाला एक कार्यालय नोएडा में खोलने की घोषणा की है। इसका लक्ष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं आधुनिक मशीनों की सहायता से
जलवायु परिवर्तन से कृषि में हो रहे प्रभावों को कम करना है और पेटीएम मॉल, इंडिया मार्ट, मोगलिक्स और पाइन लेब्स, इनोवेंसर, इनशॉर्ट्स और क्लास प्लस तथा फिजिक्स वाला ने उत्तर प्रदेश में अपने केंद्र स्थापित किए हैं। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे आपके पास ब्रेक के बाद। बेस्ट चैनल गेट श्री ब्रजमोहन सिंह साधना न्यूज। बेस्ट चैनल गेट श्री ब्रजमोहन सिंह साधना न्यूज। ये पीछे बैठे लोगों से मेरा खास, मेरी खास तवज्जो मैं उनकी चाहूंगी कि प्लीज आप लोग तालियां जरूर बजाएं। प्लीज यहां पे आने वाले सभी लोगों की हौसला अफजाई होती है आपकी तालियों से। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुक करेंगे खबरों की ओर। लखनऊ श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है। प्रकाश पर्व कार्यक्रम में सीएम योगी श्री गुरु गोविंद सिंह को नमन किया है। चलिए आपको भी सुनाते हैं। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंध समिति के अध्यक्ष सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जी, प्रवक्ता सतपाल सिंह मीर जी, महामंत्री सरदार हरमिंदर सिंह टीटू जी, भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ महानगर के अध्यक्ष श्यानंद द्विवेदी जी, अल्पसंख्यक आयोग के हमारे वरिष्ठ सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी, गुरुद्वारा प्रबंध समिति के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरा देश दशमेश गुरु महाराज की प्रकाशोत्सव के साथ जुड़ करके उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए एक नई प्रेरणा प्राप्त कर रहा है। इस अवसर पर आप सबको और पूरे प्रदेशवासियों को मैं प्रकाश पर्व की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक शहीद पिता के पुत्र हैं, तो शहीद पुत्रों के पिता भी हैं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने शहादत की जो एक श्रृंखला धर्म की स्थापना के लिए, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए उस कालखंड में की थी, उसी परंपरा का आगे बढ़ाते हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने आप को समर्पित किया। याद करिए, चार चार पुत्र, साहबजादा अजीत सिंह, साहबजादा जुझार सिंह, साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह, चार चार पुत्र धर्म के लिए, देश के लिए अपनी शहादत देते हैं। माता गुजरी इस शहादत की प्रत्यक्ष उदाहरण बनती है, और तब भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने
हमारे सामने जो उदाहरण प्रस्तुत किए वो आज भी हम सब के लिए उतना ही प्रेरक है, पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, हर सिख के लिए। हम लोग इस बात को मानते हैं खालसा पंथ की स्थापना ये मुगल साम्राज्य के अस्त का कारण बना, उनके पतन का कारण बना। औरंगजेब हो या वजीर खान, उन्होंने जो कृत्य किया था उस कृत्य की सजा परमात्मा ने उन्हें दी। लेकिन इतिहास में यह देखने को बहुत कम मिलता है कि कई कई पीढ़ियां देश और धर्म के लिए अपने आप को बलिदान कर दे, और आज जब हम यहां पे गुरु महाराज की इस पावन प्रकाश उत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं तो प्रेरणा हम सबको एक नई शक्ति प्रदान करता है। यह हमारा सौभाग्य है कि लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंध समिति के द्वारा जो मांग 2019-20 में राज्य सरकार के सामने रखी गई थी और सन 2018-19 में गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर जो महान कीर्तन कार्यक्रम दरबार मुख्यमंत्री आवास पे आयोजित हुआ था, इसके उपरांत कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए भी साहबजादा दिवस के आयोजन के कार्यक्रम 2020 से प्रारंभ हुई और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि गुरु गोविंद सिंह महाराज के दोनों छोटे पुत्र साहबजादा जोरावर सिंह, साहबजादा फतेह सिंह की स्मृतियों को समर्पित करते हुए वीर बाल दिवस साहबजादा दिवस के रूप में इस दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया। और आज हम सब इस पर्व के साथ जब जुड़ते हैं तो भारत के कोटि कोटि नौजवानों के लिए वह एक नई प्रेरणा होती है। 7 साल और 9 साल की उम्र क्या होती है, क्या उम्र होती है जब साहबजादा अजीत सिंह और जुझार सिंह युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त होते हैं। सात वर्ष और 9 वर्ष की उम्र में हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, इस्लाम अपनाने के लिए तमाम दबाव बनाए गए, जिंदा दीवारों में छिनवाया जा रहा है, लेकिन तब भी टस से मस नहीं हुए। इतनी मजबूत नींव है सिख पंथ की और इस मजबूत पंथ पर जुड़ा हुआ जुझारूपन आज हम सब के अंदर देखा जा सकता है। सिख जहां कहीं भी रहता है अपने परिश्रम के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए, अपनी सेवा कार्य के लिए जाना जाता है। एक लंबी परंपरा है देश और धर्म के लिए मर मिटने के लिए जिन्होंने हर समय अपने आप को तैयार किया। लखनऊ कोलकाता से अब अयोध्या जाना और आसान हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट का शुभारंभ हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे हरी झंडी दिखा दी है। अयोध्या धाम को कोलकाता और बेंगलुरु से वायु सेवा से जोड़ने के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में माननीय नागर विमानन मंत्री
भारत सरकार, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, विभाग के राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, उत्तर प्रदेश शासन में लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित अयोध्या के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, लोकप्रिय सांसद अयोध्या श्री लल्लू सिंह जी, सचिव नागर विमानन मंत्रालय भारत सरकार, चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर एयर इंडिया एक्सप्रेस और लखनऊ में मेरे साथ जुड़े हुए मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन श्री एसपी गोयल जी। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को और जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी पर विशेष फोकस करते हुए उसे हर संभव अपना सहयोग प्रदान किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में बेहतरीन परिणाम सामने दिए हैं और विगत 9-9.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल नए एयरपोर्ट्स आए हैं बल्कि आज मैं कह सकता हूं कि 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश देश का एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से एक अहम राज्य हो गया है। 30 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण के कार्यक्रम को संपन्न किया और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के साथ वायु सेवा के उपरांत आज कोलकाता और बेंगलुरु के लिए भी एयर इंडिया एक्सप्रेस की यह वायु सेवा प्रारंभ होने जा रही है। वास्तव में अयोध्या यह भारत की सनातन आस्था का प्रतीक तो है ही, लेकिन मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि प्रभु श्री राम हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतीक भी हैं। अयोध्या के अंदर 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल का सामना करने के बाद पूरे देश ने अपनी आस्था को अयोध्या के प्रति व्यक्त किया और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। 22 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान होंगे अपनी जन्मभूमि पर अपने मूर्त रूप में। स्वाभाविक रूप से पूरे देश के मन में अयोध्या आगमन के लिए एक उत्सुकता है, एक आतुरता है। उनकी अयोध्या आगमन के लिए क्या संभावनाएं हो सकती हैं? आज से 5-6 वर्ष पहले यह कल्पना थी कि अयोध्या के अंदर भी 4-लेन की कनेक्टिविटी होगी, अयोध्या रेलवे लाइन की दोहरीकरण कार्य से जुड़ेगा, अयोध्या में पवित्र सरयू नदी में क्रूज सेवा प्रारंभ होगी और अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, यह आज से 5-6 वर्ष पहले एक कल्पना थी, लेकिन आज
यह एक हकीकत है कि अयोध्या में सभी प्रकार की सुविधाएं अयोध्या वासियों को उपलब्ध हो रही हैं और ये जो कुछ भी हम वहां करने में सफल हुए हैं या जो कुछ भी आज अयोध्या में प्राप्त हो रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व, डबल इंजन सरकार के द्वारा समय पे और तेजी के साथ निर्णय लेने की सामर्थ्य और स्थानीय जनप्रतिनिधि, मैं श्री लल्लू सिंह जी जैसे योग्य और लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों की सक्रियता इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सहायक रही है। अयोध्या आने वाले समय में देश और दुनिया का टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए सबसे प्रमुख सिटी होने जा रही है। अयोध्या वैसे भी स्थानीय श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन देश के अंदर जिस प्रकार की आतुरता है, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूरे देश के अंदर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही, नमस्कार।